तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि घर पे अगर वो छोले भटूरे बनाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बनते नहीं हैं, जैसे कि अगर भटूरे हैं वो अच्छी तरीके से फूलते नहीं हैं या फिर छोले जो हैं वो बाजार जैसे बनते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ आप एक बार इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो भटूरे हैं वो फूले फूले बनेंगे और इंस्टेंट भटूरे जो मैं आपको बताना सिखाऊंगी, छोले भी जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। तो छोले भटूरे बनाने के लिए हम सबसे पहले चने को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काबुली चना लिया है 500 ग्राम और इसे मैंने 5-6 घंटे के लिए सोखने के लिए रख दिया था, अच्छी तरीके से फूल गए हैं। छोलों में एक अच्छा कलर आने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक कपड़ा जिसमें मैंने ये 1.5 टेबल स्पून के तकरीबन चाय पत्ती डाल दिया है। और डालने के बाद हम यहाँ पे इसका एक पोटली बना लेंगे और अच्छी तरीके से इसे बांध लेंगे ताकि बॉईल करते वक्त जो है हमारा पोटली वो खुल ना जाए, ये तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। आप चाहो तो पोटली की जगह पे चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। चाय पत्ती को अच्छी तरीके से पानी में बॉईल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, उसमें मैंने सारे चने को जो डाल दिया है और इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और एक इलायची डाल देंगे बड़ी वाली, और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी इतना ही डालना है कि बस चना जो है हमारा अच्छी तरीके से डूब जाए और उसके बाद जो हमने पोटली बनाया था चाय पत्ती का वो डाल देंगे। और उसके बाद जल्दी और अच्छी तरीके से चने को गलाने के लिए 1 टीस्पून यहाँ पे हम बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। उसके बाद हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसे 4-5 विसल आने तक हम पका लेंगे। फ्रेंड्स, कुकर में जब तक विसल आती है तब तक हम भटूरे का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में 6 कप मैदा लिया है, क्वांटिटी थोड़ी मेरी ज्यादा है, आप थोड़ा कम कर सकते हो, आप इसकी जगह पर 4 कप भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी लिया है, 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है फ्रेंड्स, 1 कप यहाँ पे हम दही डालेंगे और 1/2 कप के तकरीबन यहाँ पे मैंने दूध डाला है फ्रेंड्स। दूध डालने से क्या होगा, जो हमारा भटूरा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है इन सबको। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, मतलब जो हमने आटा तैयार करना है वो एकदम ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है, तो इसी स्टेज में फ्रेंड्स हम यहाँ पे 1-2 चम्मच तेल ड्रॉप करेंगे इस आटे के ऊपर और उसके बाद हमें जो पिटाई करनी है इसकी, मतलब इसे हमें पीटना है, मारना है, आप जो भी करो, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है आप इसके ऊपर निकाल लेना अपने, हमें इसे अच्छी तरीके से पटकते हुए इसका आटा जो हमें तैयार करना है, मतलब हमें लगभग इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से आटा को पटकते हुए गूंथ लेना है। तो अब देखिए अच्छी तरीके से आटा जो हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और ढक कर इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रस पर रख देंगे और उसके बाद हम साइड रख कर छोलों की तैयारी कर लेंगे। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे, तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून हम काली मिर्च लेंगे, 10 से 12 लहसुन की कलियां लेना है, 1 इंच अदरक और कुछ खड़े गरम मसाले लेना है हमें। इन सबको हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है, हमें इसे भी पीस लेना है। और अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें हमें 4 टेबल स्पून के तकरीबन सरसों का तेल डालना है। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और जब जीरा अच्छी तरीके से चटक जाए तो हम यहाँ पे 4 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके डाल देंगे। प्याज को हमें फ्रेंड्स तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का जो कलर वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है, यानी कि बस इसे हमें 1-2 मिनट के लिए ही भूनना है। अब 1-2 मिनट के बाद प्याज हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तो इसमें हम मसाला जो हमने पीसा था वो डाल देंगे, साथ ही में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हल्का सा चला लेंगे और तब हमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून के तकरीबन नमक डाल देना है। इसे लगभग हमें 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को भून लेना है। तो अब देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, ऑयल भी जो है इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो अभी जो हमने टमाटर पीसा था वो अभी हम डाल देंगे इसमें, लगभग हमें इसे 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जो मसाले होते हैं हमें उसे अच्छी तरीके से भुनाई करनी होती है, जो है कोई भी अगर आप छोले बनाते हो उसका जो स्वाद है वो बढ़कर आता है। देखिए टमाटर डालने के बाद हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं, हमने देखिए जो छोले बॉयल किए थे वो देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से गल चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। और अभी हम इसमें से ये जो पोटली है चाय पत्ती वाला वो हम निकाल लेंगे इसे और छोलों को जो है हम जो है मसालों में ऐड करेंगे और अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो मेरा कढ़ाई है बिल्कुल फुल हो चुका था, मैं बहुत ही केयरफुली इसको चला रही थी। खैर कोई नहीं, अपन लोग शेर पुत्र है, कोई भी काम जो है हम लोग उसको आसानी से पार करेंगे। तो अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और इसके डालने के बाद भी हमें मिला लेने हैं और बस हमें 1-2 मिनट के लिए इसे उबालने हैं क्योंकि छोले हमारे ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स 1-2 मिनट के बाद जो हमारे जो है छोले बनकर रेडी हैं, तो इसे हम रख देंगे साइड
साइड में और चलते हैं बटोरे बनाने की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बटोरे का आटा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो इसे हम निकालेंगे और अच्छे तरीके से थोड़े से इसे मसल लेंगे हम। और मसलने के बाद जो है हम इसके दो टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद जो है फ्रेंड्स हमें इस तरीके से लोगों को निकालना है और तोड़ते जाना है। देखिए जैसे मैं अभी निकाल रही हूँ, इससे क्या होगा जो आपके भटोरे में है कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसकी पेड़ियाँ तैयार कर लिए हैं और बड़ी आसानी से आपकी ये पेड़ियाँ निकल जाती हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ पेड़िया को तोड़ लिया है और बाकी जो आटा है हमें इसे ढककर साइड रख देना है। और एक पेड़ी लेंगे और हम इसे अब बेलते जाएंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हो उसमें। और अब इसे देखिए हमें अच्छी तरीके से बेलते जाना है। तो मैं यहाँ पे ओवल शेप का बटोरा जो है बेल रही हूँ, आप चाहो तो सर्कल में भी बेल सकते हो। तो हमें फ्रेंड्स बटोरा जो है बिल्कुल जो है पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, बिल्कुल देखिए इस तरीके का ही हमें बेलना है। और चारों तरफ बेलन जो है हमें एक जैसा ही प्रेस करना है। तो अभी देखिए बटोरों को जो है मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है। तो हाई फ्लेम पे गर्म किया हुआ तेल में हम इसे तलते जाना है। तो तेल में बटोरों को डालते ही के साथ हमें बस फ्लेम को हल्का सा लो करना है, यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर देना है। और उसके बाद जो है कलछी चलाते हुए हम इस तरीके से बटोरों को तलेंगे। और उसके बाद जो देखिए हमारे बटोरे हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल गई हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। तो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है फ्रेंड्स हमें, उसके बाद हम बटोरों को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेम हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसे। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो भटोरे हैं फूल गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने छोले और भटोरे को जो है थाली रेडी कर लिया है। साथ में मैंने प्याज को कट करके रखा है और एक छोटा टुकड़ा नींबू का। फ्रेंड्स हमारी जो है छोले भटोरे बनकर अब रेडी हो गई है। यहाँ पे देखिए मैं भटोरे को तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ही मज़ेदार की, बहुत ही लजीज यहाँ पे छोले जो हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो अब बिना किसी टेंशन के इस रेसिपी को आप घर पर बनाकर रेडी करना, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।